लेंथ वेरिएबल, उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? इंटीजर, तो लेंथ वेरिएबल भी बना लिया। लेंथ स्पेलिंग कॉन्शियस भी लिखेगा, बाकी बच्चों का इस पर एरर आया था, यकीन है आपका भी आएगा। तो लेंथ वेरिएबल इनिशियली उसको जीरो, और किस चीज की जरूरत है? इंडेक्स भी बना लेते हैं, यही बना लेते हैं, नॉट एन इशू। इनिशियली उसको जीरो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्कैनर ओबीजे इक्वल्स न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब इनपुट ले लें, कैसे आप काम नहीं कर रहे? चलो चलो, नो प्रॉब्लम, समझ लो। टेकिंग इनपुट, इनपुट लेने से पहले मस्ट यूजर को मैसेज देना है, वरना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। एंटर अ वर्ड। अच्छा बच्चों, ये वाली बात ध्यान से सुनिएगा। इंटीजर रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन था आपके पास? नेक्स्ट इंट। आपने वर्ड वेरिएबल के अंदर क्या करना है? ऑब्जेक्ट के थ्रू कुछ रीड करना है। इंटीजर रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया आपने? नेक्स्ट इंट। डबल रीड करने के लिए क्या फंक्शन यूज किया? नेक्स्ट डबल। अब हमने स्ट्रिंग रीड करनी है। अब स्ट्रिंग के लिए ना दो फंक्शंस है हमारे पास, मल्टीपल है लेकिन बेसिकली जो बेसिक है वो है आपके पास दो, एक है नेक्स्ट और एक है नेक्स्ट लाइन। इन दोनों का डिफरेंस आप लोग पढ़ के आइएगा, लेकिन अभी जो ब्रीफ स्टोरी है वो बता रही हूँ कि वर्ड क्या, नेक्स्ट खाली जो फंक्शन है वो क्या करता है, आपके इनपुट में स्पेस नहीं अलाउ करता। अगर आप इनपुट कर रहे हो कोई सेंटेंस इंक्लूडिंग स्पेस, तो जैसे ही स्पेस आती है वो समझता है एंड ऑफ स्ट्रिंग हो गया, तो वो सिर्फ पहला वर्ड एज एन इनपुट लेता है। तो नेक्स्ट फंक्शन तब यूज करना जब आपने सिर्फ एक वर्ड लेना होगा, ठीक है। जब आपने पूरी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्पेसेस, इंक्लूडिंग वो आपके पास न्यू लाइंस वगैरह करना होगा, तब आप नेक्स्ट लाइन यूज करना। तो अभी हमने एक वर्ड रीड करना है ना, तो खाली नेक्स्ट फंक्शन के साथ चलते हैं, ठीक है। तो यूजर ने हैरी एंटर करना है, तो हैरी किस में चला जाएगा? वर्ड के अंदर, क्लियर। तो लाजमी नहीं है वो वर्ड हैरी ही हो, हम जस्ट फॉर द सैंपल रन उसको हैरी कह रहे हैं। तो यूजर से डेटा आपने इस तरह से रीड कर लिया। यूजर से डेटा रीड कर लिया, तो पार्ट वन क्या कहता है? पार्ट वन को हम इस तरह से लिख लेते हैं, कमेंटाइज भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर वन, ये चीज। तो आपने क्या करना है, हर हर कैरेक्टर को अलग अलग लाइन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो हर हर कैरेक्टर को क्या करना है, पहले तो फेच करना है, डिस्प्ले करवाना है और नेक्स्ट लाइन पर जाना। तो हमने कहा था कि ये चीज रिपीट हो रही है, तो हम लूप के जरिए कराएंगे। तो अभी भी ना फॉर के साथ ही चलते हैं। अब फॉर को किसने हैंडल करना है? इंडेक्स ने, लेकिन इंडेक्स को आप पहले ही डिक्लेयर और डिफाइन कर चुके हो, है ना। इंडेक्स की वैल्यू आप जीरो सेट कर चुके हो। तो अब ना फॉर में हमने बात की थी कि ये चीज ऑप्शनल है, इनिशियलाइजेशन खाली भी रह सकती है, लेकिन सेमीकोलन मस्ट पुट कर देना, कहना कि इस वाले पोर्शन में मैंने कुछ नहीं किया और ये पोर्शन खत्म हो गया, सेपरेशन के लिए सेमीकोलन। तो मैंने इनिशियलाइजेशन क्योंकि ऊपर करवा ली हुई थी, इसलिए मैंने अभी इसको ब्लैंक छोड़ा। ये समझ में आती है बात? चलो शाबाश। अच्छा, अब आपकी कंडीशन क्या थी? आपकी लूप तब तक चलती रहेगी जब तक इंडेक्स की वैल्यू छोटी रहेगी, किस से? लेंथ से। अच्छा, और वो कैसे कैलकुलेट होगी? वर्ड डॉट उस वेरिएबल का रेफरेंस डॉट लेंथ का मैसेज, लेंथ का फंक्शन। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कंडीशन के अंदर कोई फंक्शन भी लिख सकते हैं। तो इसके रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको? अभी अगर हैरी की बात करें तो लेंथ मिलेगी 5। वहां पे भी स्टोर कर सकते थे, वो वे भी बिल्कुल ठीक है। और ये वे भी आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी कंडीशंस में ये चीजें भी लिख सकते हो। तो अभी यहाँ से क्या रिटर्न होगा हैरी के केस में? 5 रिटर्न होगा। 5
फाइव, तो यही हमारी रिक्वायरमेंट है ना, इंडेक्सेस फाइव से पहले पहले रुक जाएं। अगर ये बात मुश्किल लग रही है तो इसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, वेरिएबल में कर लें। लेकिन आप इसको ट्राई करना, जब खेलोगे ना प्रोग्राम खुद बनाओगे तो इस तरह से भी देखना क्या होता है। अच्छा जी, आपने लेंथ में डालना है ये, और हम कहते हैं अच्छा सैंपल लाइक इसको ना कहते हैं कि लेट्स से यूजर ने हैरी एंटर किया, तो अगर उसने हैरी एंटर किया तो आउटपुट में यहाँ पे फाइव जाएगा, ये ठीक है। अब आपने कहाँ तक जाना है, लेंथ तक, ये ठीक है। और आपने इंडेक्स को प्लस प्लस करना है, ये भी हमने डिसाइड किया था, क्लियर। तो आपकी लूप जीरो इंडेक्स से शुरू होगी और लेंथ से एक स्टेप पीछे रुक जाएगी, क्योंकि हमने इक्वल का साइन नहीं ना लगाया यहाँ पर। चलो, करना क्या है, आपने लूप के अंदर रहते हुए प्रिंटिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखने दो मुझे। प्रिंट एल एन क्या करता है, पहले अपने स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवा देता है, फिर न्यू लाइन पर जाता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट यही है ना, तो पहले डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो डिस्प्ले के लिए आप क्या करोगे, वर्ड वाले वेरिएबल के अंदर जो कैरेक्टर एट उस वाली पोजीशन पे पड़ा हुआ है, हम यहाँ पे 01 मैन्युअली नहीं रखेंगे, हम उस वेरिएबल का रेफरेंस दे देते हैं जिसमें अपडेट होते रहना हर आइट्रेशन में। तो फर्स्टली यहाँ पे 0 होगा, सेकंड टाइम 1 और इस तरह से सो ऑन। तो ये बात समझ में आ गई सबको। चलो, आपका वो वाला कैरेक्टर डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले होने के बाद वो न्यू लाइन पर चला जाएगा, है ना। फिर उसको क्लोजिंग बॉडी मिलेगी, क्लोजिंग बॉडी के बाद वो अपडेशन पे जाएगा, इंडेक्स को 1 कर देगा, 1 छोटा है 5 से, ट्रू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में वो जो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे लेट से ए पड़ा हुआ था वो भी डिस्प्ले करवा देगा, ऐसा है ना। तो ये लूप आपकी इस तरह से डिजाइन हो गई। तो ये वो चीज है जो अभी तक आप समझते थे। अब मुझे ये करने दो, ये मैं बॉडी हटा रही हूँ। क्यों हटा रही हूँ, कि जब भी आपके किसी हेड के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट कनेक्ट करनी हो तो हम इसको बॉडी के बिना भी लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं या आपके पास सम हो ना, पेपर में भी वो दे सकता है कि कोई एरर फाइंड करो, तो आप तो कह दोगे कि कर्ली ब्रैकेट नहीं है, लेकिन कर्ली ब्रैकेट मिस होना यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ठीक है। जब आपने मोर देन वन स्टेटमेंट्स रिलेट करनी होती है तब आप बॉडी लगाते होते हो। तो इसको ऐसे ही लिख के मुझे जाने दो, देखते हैं कि मैं बात ठीक कर रही हूँ, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। कैपिटल एस, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, शाबाश। आपने यूजर से डाटा ले लिया, लेंथ कैलकुलेट कर ली, लूप चला ली, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हैरी का हर हर कैरेक्टर अलग अलग लाइन पर डिस्प्ले होगा। तो जावा सी टास्क नंबर 2, वर्ड में हैरी ही डाल देती हूँ और वो अलग अलग लाइन पर चला गया, ठीक हो गया बच्चों। चलो शाबाश, तो ये आपके सामने कोड है, अगर कॉपी कर रहे हो तो कॉपी कर लो। सेकंड क्वेश्चन आप खुद पढ़ो।